हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल आदिति कहते हैं पे स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग अपनी बुद्धिमत्ता को सफलता से बांध देंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान है हमारे लिए। और ये ज्ञान हमें जिंदगी में कुछ भी दे सकता है। और ये ज्ञान हमें जिंदगी में कहीं कुछ कोई भी चोटियों से गिरा भी सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहानी जो है सर्कल ऑफ गुड डीड के बारे में। मैं इस अगर आप वीडियो के एंड तक देखते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये टॉपिक। और ये टॉपिक आपको जिंदगी में कुछ भी पहुंचा सकता है। तो मेरे दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार कृष्ण और अर्जुन शहर के राउंड लगा रहे थे और चलने गए थे एक बार। और उन्होंने देखा एक भिखारी खाना मांग रहा था, पैसे मांग रहा था, चंदा मांग रहा था। तो अब अर्जुन जी को उस पे दया आ गई और उन्होंने दे दिए, कहते 100 मूरे दे दी उन्हें, 100 सोने की मूरे। तब जब उनको दे दी तब भिखारी को तो खुश हो गया, उसकी तो पूरी जिंदगी चल सकती थी ये 100 मूरों से। तो फिर वो इतना खुश हो गया, जब वो घर पे जा रहा था उसने देखा एक रास्ते में कि एक और भिखारी मांग रहा था। वो एक सिक्का उसे दे सकता था लेकिन उसने नहीं दिया और वो भी गंदा बन गया। तो अब क्या हुआ, उनने गंदा डील किया तो अब तो उनके साथ गंदा ही होना था। इसीलिए जब वो जा रहे थे तब एक चोर आया और उसने उनसे वो झोली चोरी कर उठा के चोरी करके भाग गया। अब उनका सारा सोने के सिक्के सारे ढप हो गए, कुछ भी नहीं रहा उनके पास और वो वापस स्टेज 1 पे पहुंच गए। तो मेरे दोस्तों, अब वो अगले दिन वापस भीख मांगने चले गए। इस बार वापस हमने देखा, अर्जुन ने कहा कि मैंने तुम्हें 100 सिक्के दिए थे, तुम वापस भीख क्यों मांगने लग गए। तो उनने अपनी कहानी सुनाई, वो भिखारी ने अपनी कहानी सुनाई। अब वापस उनको दया आ गई और इस बार उन्हें एक बहुत बड़ा हीरा दे दिया। अब ये हीरा देख के वो वापस खुश हो गए। अब जब वो जा रहे थे तब उन्हें एक और भिखारी दिखा लेकिन तो भी उनने कुछ भी नहीं दिया उसे। और वो चलते चले गए और जब वो घर पे पहुंचे उनने एक मटके में डाल दिया वो हीरा। उन्हें सोचा कि अगले दिन मैं उसके पैसे ले लूंगा। तो अब जब उनने वो हीरा डाल दिया और वो सो गए और अच्छे अच्छे सपने देखने लग गए कि वो पैसे लेके वो क्या खरीदेंगे, वो क्या करेंगे। हम सब लोग सपने देखते हैं ना ऐसे, तो वो भी देख रहे थे। अब जब उनकी बीवी आई तब उन्हें बहुत प्यास लग रही थी तो उन्हें मटका को उठाया और उसने डुबो दिया पानी में और वो चला गया पानी के साथ, नदी के पानी के साथ बहते बहते। अब वापस वो भिखारी की सारा हीरा सारा सोना सब कुछ डप हो गया क्योंकि उनने कोई गुड डीड किया ही नहीं। उनने हर समय बैड डीड किया तो भगवान ने उन्हें बैड रिजल्ट दिया। तो मेरे दोस्तों, अब क्या हुआ, वो वापस भीख मांगने चले गए नेक्स्ट डे। अब अर्जुन ने देखा कि ये कैसे हो सकता है, ये इंसान की तो जिंदगी खराब ही होनी है, इसके पास तो बैड लक है। तो अब कृष्ण भगवान जी ने सोचा कि अब कृष्ण भगवान जी ने दिया एक मूरा, उन्हें दिया वो भी एक कॉपर का मूरा, हाँ ना वो ना चांदी ना सोना, बस ऐसे ही उसने तांबे का दे दिया एक मूरा। तब जब वो वापस अपने रास्ते में जा रहे थे तब कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को बोला कि इसके पीछे पीछे चलो, अब देखने क्या होगा। जब वो जा रहे थे उनके हाथ में एक मटका था तो फिर उन्हें देखा कि मछली बहुत लड़ रही थी अपने कितने मछुआरे से कि उसे जिंदा रहना था। तो उसने तो वो भिखारी ने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी तो नहीं बचा सकता तो उसकी जिंदगी बचा लूं इस सिक्के के साथ। तो उन्हें वो मछुआरे को वो सिक्का दे दिया और वो मछली ले ली और अपने मटके में डाल दिया। अब जब वो वापस जा रहे थे रास्ते में तब उन्हें देखा कि वो चोर जिसने उनके सारे जिन्होंने उनके सारे सिक्के ले लिए, सारे 100 सोने के सिक्के ले लिए, वो वहां पे था सामने। तो फिर अब वो चोर ने भी देखा, हे ये वो इंसान है जिसे मैंने 100 सिक्के लिए थे, और उसे डर लगा कि वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगा। तो फिर वो भागा और वापस उन्हें 100 सिक्के दे दिए उनके। अब क्या हुआ, एक और अच्छी चीज हो गई कि जो मछली उनने बचाई थी वो ही मछली थी जिसने उनका हीरा खा लिया था।
इसलिए उनके पेट कहते वो मछली के पेट में से वो हीरा निकल गया बाहर। तो फिर अर्जुन जी ने पीछे से छुपके हुए देखा कि अब मेरे को समझ आ गया कृष्ण जी आपका क्या खेल था। और उनका खेल ये था कि जब कुछ अच्छा करोगे तो भगवान आपको अच्छा देंगे। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, आपको जिंदगी में कुछ बनना है, तो मेरे दोस्तों ये ही एक चीज है, लोगों के साथ अच्छा करें, अच्छा व्यवहार करें, तो आपको जिंदगी में भगवान आपको सुख संपत्ति देगा ही। इस कहानी के साथ, इस सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस एपिसोड को अंत करते हैं।